मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, वो घर सूना रह जाता है इस दुनिया में जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल महीन अरजीत दिस साइड। और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। पर बहुत अफसोस की बात है, हर 50 सेकंड में इंडिया के अंदर एक गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है। ये बहुत अफसोस की बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज कह रही हैं, ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी 30 जून 2020 में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 4,60,000 लड़कियां मिसिंग हैं 2013 से 2017 के बीच में बाय बर्थ। ये कितना खतरनाक है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सवाल है। ऐसा क्यों है और इसके ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। 2020 में जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, फिर भी लोगों की सोच इतनी घटिया हो चुकी है कि वो एक गर्ल चाइल्ड के होने पर इतनी खुशी नहीं मना रहे। ये बहुत खतरनाक है और ये इंडिया के ग्रोथ में बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो पीछे कर रहे हैं हम लोग। जब तक हम इक्वालिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी, इस चीज को क्लियर समझ लो। जब तक आप इक्वालिटी की बात नहीं करोगे, लड़का लड़की को बराबर नहीं देखोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और मैं तो कहता हूं, आप रिसर्च को देखो, गूगल पे लिखो, आप वुमेन्स आर मोर सक्सेसफुल देन मेन, वुमेन्स के अंदर ज्यादा पावर है, हर फील्ड में वुमेन सक्सेसफुल है यार। तो क्यों आप ऐसे कह सकते हो कि एक लड़का 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 लड़के पे क्यों आप इतनी खुशी मना रहे हो। लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं हर फील्ड में, आप इस चीज को देख सकते हो। जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन बहुत खतरनाक है और ये देश की ग्रोथ में भी पीछे करता है। और आज मैं इस चैनल के ऊपर ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं एज ए मैसेज, और यहां पर मेरा काम है आपकी सोच के अंदर एक सवाल पैदा करना। यहां पर मोटिवेशन की भी बात होती है और यहां पर एम्पावरमेंट की भी बात होती है। तो यहां पर मैं बात करता हूं कि आप अपने अंदर सवाल पैदा करो, और आप भी इस चीज के जिम्मेदार हो अगर ये हो रहा है। क्या आप खुशी मनाओ, जब आपके घर में कुछ ऐसा हो तो आप पूरी दुनिया को दिखाओ कि आपके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। और ये चीज जब तक आप नहीं करोगे, शुरुआत आपको करनी होगी। देखो, शुरुआत आप ही करोगे, इनिशिएशन आपको लेना होगा, दुनिया नहीं करेगी कुछ, पहले इनिशिएट आपको करना होगा, ठीक है। जब आप इनिशिएट करोगे तब दुनिया करेगी। बहुत शर्म की बात है, मदर चाहिए, सिस्टर चाहिए, वाइफ चाहिए, लेकिन एक बेटी नहीं चाहिए। अरे यार, गूगल पे इतने सारे न्यूज एंड आर्टिकल्स आपको मिलेंगे और वहां से आपको ये पता चलेगा कि ना जाने कितने लोग अपनी पैदा होती बच्ची को किल कर देते हैं। कितने ऐसे लोग, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद। तो आज जो ये सब हो रहा है, इतना सब कुछ, ये सब इसीलिए हो रहा है कि बचपन से ये मेंटेलिटी बनी है ना लोगों की कि लड़की पैदा हो रही है तो खुशी नहीं हो रहे, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। पहले अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो यार। अपनी जब तक कि अपनी ये जो सोच है इसको नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। जब तक तुम इसको कचड़ा बना करके रखोगे तब तक यहाँ पर स्मेल ही होती रहेगी, ठीक है। अगर तुम इसमें एक बाग लगाओगे गुलाब का तो यहाँ पर खुशबू होगी, इसलिए इसको साफ करो, इसमें एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करो। अपने माइंड को टॉक्सिक मत बनाओ यार, जब तक टॉक्सिक रहोगे तब तक तो सब कुछ टॉक्सिक रहेगा ना। इसलिए प्यार स्प्रेड करो और पूरी दुनिया में सबके प्रति प्यार स्प्रेड करो, और सबको इक्वालिटी के बेस पर देखो। और दूसरी चीज, सबको एज ए इंसान ट्रीट करो, ठीक है। सब ऊपर वाले के बंदे हैं। बस यही आज का मैसेज है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी शेयर करो तुरंत, और अगर इस वीडियो से आप जरा सा भी सेटिस्फाइड होते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में तुरंत बताओ। बस मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद द माहीन अरजीत शो।